कुछ इस तरह अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेना, किसी से माफ़ी मांग लेना या किसी को माफ़ कर देना। अक्सर हमारी ज़िंदगी में हमारे अपने प्रियजन, हमारे अपने मित्रजन, हमारे अपने रिश्तेदार छोटी सी बात पर नाराज़ होकर, छोटी सी बात की गलत फहमी के चलते हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। हमें क्या करना है कि चाहे हमें हज़ारों कोशिशें करनी पड़े, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर होने से रोकना ही होगा। क्योंकि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए, ना जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए, ना जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए। सुना है ये मौत एक पल की मोहलत नहीं देती, सुना है ये मौत एक पल की मोहलत नहीं देती, ना जाने कौन सी सांस आखिरी हो जाए। अगर आपके हज़ार कोशिशों के बाद भी उन्होंने अब आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का फ़ैसला ले ही लिया है, अगर अभी भी वो आपकी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहते, तो आप उन्हें जाने दीजिए। अगर आज वो आपके रिक्वेस्ट पर रुक भी गए तो कल चले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मजबूरी हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके चलते उन्हें आपसे दूर होना पड़ रहा हो। कल को जब वो प्रॉब्लम, वो नाराज़गी दूर हो जाएगी, तब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, जिस रिश्ते की डोर से आप और आपके वो फ्रेंड, आपके रिश्तेदार, आपके प्रियजन बंधे हुए हैं, अगर वो उस रिश्ते की डोर को छोड़कर भी जा रहे हैं, याद रखिएगा कि वो आपके उस रिश्ते की डोर को छोड़कर जा रहे हैं, तोड़कर नहीं, तब तक आपने उस रिश्ते की डोर को पकड़ कर रखना है, ताकि जब आने वाले टाइम में उनकी ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, तब उनके पास, आपके पास आने के लिए एक सिरा हो। अगर आपने भी उस सिरे को छोड़ दिया होगा तो उनके पास कोई ऐसा मौका नहीं होगा, कोई ऐसा कारण नहीं होगा कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, समय निकाल कर कर लिया करो, समय निकाल कर कर लिया करो अपने मन की बात, समय निकाल कर कर लिया करो अपने मन की बात, हर किसी की किस्मत में नहीं होती दूसरी मुलाकात। ये जो छोटी छोटी नाराज़गियाँ, गलत फहमियाँ, बात बात पर रिश्ते तोड़ देना, ये तो एक पल का काम है। बात बात पर रिश्तों को मत तोड़ो, बात बात पर रिश्तों को मत तोड़ो, 7 अरब की दुनिया में 7 लोगों को तो जोड़ो। रिश्तों को तोड़ देना तो एक पल का काम है, लेकिन जब आप उस रिश्ते की डोर को वापस जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस डोरी के बीच में गांठ पड़ जाएगी। और जो आपके प्यार की इतनी सुंदर माला आपने पिरोई हुई है, उसमें से भी कुछ ना कुछ मोती गिर ही जाएंगे। गांठ तो पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ में वो प्यार भरी माला भी छोटी हो जाएगी। इसीलिए जितना हो सके, जितना संभव हो, आप अपने बीच में गलत फहमियों को जगह ना दें, छोटी छोटी बात पर नाराज़गियाँ ना होने दें। ये जो रिश्ते हैं बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं।